दोस्तों वेलकम तो, वेलकम टू तो आई स्पोर्ट हिंदी और मैं आपका दो जितेंद्र आप सब लोग जानते हैं कि मोनोटाइज होने के लिए सबसे पहले तो आपके थोलर्स पूरे होने चाहिए जो कि करीब दस हज़ार के करीब होते हैं फेसबुक के ऊपर और साथ ही साथ आपका एक टाइम पीरियड होता है तीन हजार तीन हजार घंटे आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं फेसबुक पर मोनोटाइज होने के लिए तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और आपको पूरी डिटेल से समझाएगा आपका ये दोस्त जितेंद्र कि क्या क्या करना होता है फेसबुक पर वॉचिंग टाइम लाने के लिए तो सबसे पहले तो मैं अपने पेज पे ले आता हूँ सबसे पहले तो आपको ये बताना समझ जानना बताना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी मोनोटाइज हूँ मेरे ग्यारह हज़ार के फॉलोअर्स हैं और मेरा वॉचिंग टाइम बिल्कुल ही कम्प्लीट हो चुका है उसके ऊपर भी दिखाऊंगा कि मेरा वॉचिंग टाइम कम्प्लीट हो चुका है और मोनोटाइज मैं हूँ वो भी मैं आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा अभी अभी मैं सीधा ही अब मेटा बिजनेस सूट पे आ गया हूँ जहाँ पे मैंने अपना आईटी स्पोर्ट का पेज खोला हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे मुझे मोनेटाइजेशन की ऑप्शन आ रही है तो अभी राइट डॉक्टर मेरा मोनेटाइजेबल डिसेबल हो रखा है तो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके पहले थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि मैं मोनोटाइज हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सीम और डिटेल के ऊपर तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं किस किस पे मोनिटाइज हूँ और तो कहाँ कहाँ मैं मोनीटाइज हो रखा हूँ तो ये यहाँ पे लाने का ये मतलब है कि मैं आपको दिखा कि मैं मोनोटाइज हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं हर किसी में मोनोटाइज हूँ यहाँ पे आप ग्रीन टिक देख रहे हो हाँ मेरी इंस्टाइम ऐड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो कि मैं अभी सॉर्ट आउट कर चुका हूँ बट अभी ये ग्रीन नहीं हुआ जैसे ही ग्रीन होगा मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो दूंगा अब सीधा सोचते हैं इंस्टेंट पे तो यहाँ पे जाके आपको पता लगता है कि आपका वॉचिंग टाइम कितना हुआ है और आप कितने मिनट कंप्लीट कर चुके हैं अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अट्ठाईस दिन का बताया जा रहा है कि अट्ठाईस दिन के अंदर मेरे इतने व्यू आए हैं रीच आइए सॉरी रीच आइए तीन सेकंड व्यू मेरे इतने हैं एक मिनट व्यू मेरे इतने हैं और मिनट ऑफ व्यूज मतलब कि कितने मिनट ऑफ व्यू मेरी वीडियो रही है ये दस घंटे सतारह दिन सतारह सॉरी दस दिन सतारा घंटे का टाइम बता रहा है जो कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ अपने फेसबुक पेज पे। आपको ये टाइम को कैसे ज्यादा बढ़ाना होता है कैसे आप इसे जितना ज्यादा बढ़ाएं कि लोग आपकी वीडियो को देखें यह टाइम ही मेन इम्पोर्टेंट पार्ट पर लिखाता है मोडिटाइजेशन के वक्त में जैसे कि मैं आपको किसी दूसरे पेज की एग्जांपल देता हूँ अभी मैं आपको Uh, किसी दूसरे पेज पे ले जाता हूँ मेरा एक पेज हो रहा है मैं वहाँ पे आपको लेके जाता हूँ और आपको वहाँ पे थोड़ा और क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ कि मोनेटाइजेशन में आपको क्या मिलता है देखिए ये पेज अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है इसमें अभी आठ के तक के व्यू हैं यहाँ पे मैं इजिबिलिटी दिखाना चाहूँगा आपको मोनटाइजेशन की तो इजिबिलिटी में आप यहाँ पर क्लिक करूँगा नीचे तो ये रहा है तो यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है कि जो आपके फॉलोअर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और आपका टाइम अब भी नहीं हुआ है तो ये आप देख सकते हैं कि सात दिन का टाइम है हमारे पास और साठ या डिमांड लाइफ पे हमें व्यू चाहिए जैसे ही मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो ये भी पूरा ग्रीन हो जाएगा और मेरा जो टाइम है वो इस टैम ऐड का मैं मोनेटाइज हो जाऊँगा इसके अंदर तो मेन प्रॉब्लम आती है आपके टाइम को लाने में देखिए को लाने के, लाने के के लिए आपको अपनी वीडियो के ऊपर लोगों को लाना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियो को देखें समझें कि आप उन्हें क्या बता रहे हैं देखिए मैं आपको कुछ एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं सीधा ही यहां से थोड़ा सा बैग जाता हूँ अप्रैल से लेके मैं यहाँ पे अक्टूबर पंद्रह को सेलेक्ट कर लेता हूँ अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो मेरी वीडियो है उसके ऊपर पहले व्यू नहीं बिल्कुल नहीं थे लोग नहीं देखते थे यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डेढ़ महीना मेरी वीडियो पे कोई व्यू नहीं था बिल्कुल ज़ीरो थे ज़ीरो इन देंस है कि बिल्कुल ही ज़ीरो तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने व्यू आ रहे थे कितने व्यू नहीं आ रहे थे अभी एक झटके में व्यू बढ़े हैं इतने व्यू बढ़े हैं कि मेरी जो वीडियो है उसकी परसेंटेज रेट बहुत बढ़ चुका है अभी इसमें इतने सारे व्यू आ रहे हैं कि लोग भर भर के वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप वीडियो अच्छी बनाएं टॉपिक पे काम करें जो टॉपिक फेसबुक पे चल रहा है जो लोग देख रहे हैं जो लोग ढूंढ रहे हैं उस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएंगे तब भी आपका ये वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो पाएगा फेसबुक के ऊपर देखिए फिर फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को सर्च करके नहीं आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते होंगे कि फेसबुक पे किसी भी चीज़ को सर्च नहीं किया जाता सिर्फ वहाँ पे स्क्रॉल किया जाता है स्क्रॉल कर करके ही बंदा आगे चलता है अब किसी बंदे को किसी जगह पे रोकना है तो आपको एक ऐसा टॉपिक उसके आगे रखना पड़ेगा कि वो टॉपिक वो वो पूरा देखे पूरा समझे अगर आप यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं उस टॉपिक पे जाने के लिए जो टॉपिक वो देखना चाहती है ये और फेसबुक के अंदर सबसे बड़ा फर्क है यूट्यूब और फेसबुक के अंदर तो किसी टॉपिक पे बांध के रखना बहुत मुश्किल काम है और उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जनरेट करना वो भी बहुत मुश्किल काम है बट ये होता है ये हर कोई कर सकता है ये नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक पर्सन है वो ऐसा काम कर सकता है आप देख सकते हैं मेरे व्यू बिल्कुल ही डाउन थे बिल्कुल ही डाउन मैं इससे पीछे के व्यू दिखाऊंगा तो आप हिल जाओगे कि मेरी वीडियो पर तो व्यू आ ही नहीं रहे थे मैं दिस ईयर का ही पूरा कर रहा हूँ एक साल का जो मेरा ये जनवरी एक से पंद्रह तो बिल्कुल ही जीरो व्यू थे अभी मैं इससे पीछे दिखाऊ जाऊंगा तो बिल्कुल ही जीरो व्यू थे अभी रिसेंटली मैंने फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है बहुत ज़्यादा काम करने से मेरे व्यू बढ़े हैं वॉचिंग टाइम बढ़ा है और इनकम भी जनरेट होनी शुरू हो गई थी पर ये है कि किसी का मैंने म्यूजिक लगा लिया था तो वहां से कुछ टैग आ गई थी मुझे तो वो उसका भी मैंने शॉर्ट आउट कर लिया है रिसेंटली मैं उसके ऊपर आपको बहुत जल्दी वीडियो दूंगा कि मैंने क्या क्या किया था इसको शॉर्ट आउट करने के लिए फ्रेंड टॉपिक अच्छा पकड़िए प्रेजे, प्रेजेंट अच्छे तरीके से करिए और साथ ही साथ अपनी वीडियो पर लोगों को ठहराइए क्योंकि यूट्यूब पर सर्च किया जाता है पर फेसबुक पर सर्च नहीं करते हम स्क्रॉल करते हैं इसका ध्यान आपने रखना है तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो बताएगा चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाएगा क्योंकि काफ़ी लोग मेरे दोस्त वीडियो देख जाते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए